हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ता है कि हमें इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट नंबर विच विच, यानी कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर मान लीजिए हमारे पास एक्स आता है, तो उस एक्स में हम क्या करेंगे, 17 को प्लस करेंगे, 17 प्लस करेंगे, तो ये जो पूरा नंबर आएगा ये कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए किससे, तो 468 से और 520 से। यहाँ पे ठीक है, आप समझ गए। इसके बाद स्मॉलेस्ट बोला गया तो यहाँ तो ये भी बात क्लियर है कि यहाँ पे हमें एच सी एफ करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम एच सी एफ निकालते हैं पहले। तो यहाँ पे 468 का जब हम एल सी एम निकालेंगे तो 2 से अगर हम एल सी एम लेते तो 2 का 2, 3 का आई मीन 6 का 3 और 8 का 4, फिर हम 2 से देते हैं तो 2 का 1, 3 का 1 और 4 का 7, एकदम सही। फिर 3 से जब हम देंगे तो 3 3 9, बची हासिल 2 और 9 का 9 18, 9 3 27, फिर 3 से देंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9, तो ये आ गया हमारे पास 2 2 बार, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 3 2 बार, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 3 और 13, आई मीन 3 हो गया इसी में 13, तो यहाँ पे 13। अब 520 का देखते हैं, तो 520 को जब हम 2 से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 260, 26 दूना 52, उसके बाद 2 से देंगे 260 को तो कितना आएगा 13 130, 13 दूना 26, और फिर इस 130 को हम 2 से दे सकते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 से देंगे तो कितना आएगा 75, 75 दूना 130 होता है। अब इस 75 को 5 से देंगे तो क्या होगा, 13, 13 5 कितना होता है 75, तो 13, तो यहाँ पे आ गया 2 1 बार 2 बार 3 बार, तो यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 5 1 बार और 13 1 बार, तो 5 और 13। इसके बाद हमें क्या करना था, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ जो कॉमन आ रहा है 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, तो जब ऐसा सिचुएशन आए कि 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, इसमें कॉमन आ गया 2 बार 2, लेकिन हमें यहाँ पे मैक्सिमम लेना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेना होगा क्योंकि कॉमन नहीं है, और यहाँ पे 5 5 लेना होगा क्योंकि कॉमन नहीं है, फिर यहाँ 13 13 कॉमन है तो हम 1 बार 13 लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 460, आई मीन 4680, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 2 का क्यूब कितना होता है, 8 × 3 का क्यूब, 9 × 5 × 13 इज इक्वल टू 4680, तो यहाँ से आ गया 4680। तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम, पर हमें तो ऐसा नंबर चाहिए था जिसे जोड़ने के बाद 17 17 जोड़ने के बाद वो डिवाइड हो, लेकिन ये क्या है, कंप्लीट डिवाइड है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें हमें क्या चाहिए, 17 घटाना होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 4680, 4680 डिवाइड अगर हम करते हैं कितना से, तो 468 से, 468 से, तो ये क्या हो गया 10 बार में, यानी कि ये कंप्लीट डिविजिबल है। तो इसके बाद हमें करना पड़ेगा, इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, इस नंबर में 17 माइनस करना होगा, 17 माइनस करने के बाद जो ये नंबर आएगा 4666 वो हमारा आंसर होगा, क्यों, क्योंकि ये जो एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें 4663, अगर उसमें हम 17 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4680, और इसे अगर हम डिवाइड करेंगे 468 से तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, इससे भी कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं कि सब हमें क्या करना था, हमें एलसीएम लेना है 468 और 520 का। एलसीएम लेने के बाद ये हमारा आ गया 4680, इसमें हमें माइनस कर देना है 17, 17 माइनस करने के बाद जो आएगा 4663, ये हमारा हो जाएगा आंसर 4663।